Let us discuss the next concept, that is the reflection on the basis of wave theory of light. अभी ये क्या चीज़ है, है ना? तो earlier जो ray optics था, उसमें आपने ऐसे type का reflection देखा है, आपके पास एक plane mirror होता है, something like this, और यहाँ पे एक incident ray आपका आता है, ये एक normal है, और यहाँ से आपका ray ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी होता है, that is angle of incidence and second angle of reflection. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये चीज आपने रे ऑप्टिक्स में देखी है. अभी वेव ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा वेव फ्रंट यूज करने वाले. मान लो मेरे पास ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो जहां से सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है वो मान लो दूर पे. तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है. अभी M1, M2 ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, जहां से आपका ये प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होने वाला है. अभी ये जो स्पेसिफिक डायग्राम है, इसको जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आप स्टडी करोगे. सबसे पहले देखो 1, 2, 3, ये तीन रेज है मेरे पास लाइट के, ठीक है, और ये जो तीन रेज है लाइट के, एक पूरे का पूरा जो वेव फ्रंट है उसके ये तीन रेज है, तो अंदर पूरा का पूरा वेव फ्रंट होगा. पहले केस में हम लोग एक सिंगल रे ऑफ लाइट ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट वेव फ्रंट ले रहे हैं. तो यहाँ से ये सारे के सारे रेज आएंगे, और जैसे ये रेज एक साथ ट्रैवल करते हैं तो पॉइंट ए पे पहला रे गिरेगा, मतलब ये पूरा जो पोर्शन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पॉइंट ए पे गिरेगा, और सेकंड पार्ट इसका किधर है, यहाँ से मान लो आपने एक स्ट्रेट ऐसा लाइन कंसिडर किया, तो आपको ये ए बी, ये आपका एक वेव फ्रंट हो गया, है कि नहीं? तो ए पे ये तो टच हो गया, और बी वाला पोर्शन अभी तक आपका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस M1 M2 है वहाँ पर टच नहीं किया है उसने. तो अभी क्या होगा, देखो पॉइंट बी से पॉइंट ए डैश तक ये जो सेकेंड पॉइंट है, इसको जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ना, है ना? मतलब यहां से यहां तक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, c इनटू t. तो यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस d है, और ये कवर करने के लिए c इनटू t, ठीक है, इतना डिस्टेंस इसने कवर करके रखा है. एनीवेज अभी वही टाइम ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक आया है, ये पॉइंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं? और ये वेव फ्रंट के अभी डी से पी तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उतना इक्विवेलेंट आगे जाएगा. तो मतलब अभी मेरे पास क्या है, पहले केस में मेरे पास इंसिडेंट रे था, मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, और सिमिलरली हमको क्या मिलने वाला है, हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलने वाला है. हम क्या करेंगे ये स्पेसिफिक केस में, बी से लेके ए तक का जितना भी डिस्टेंस है उतना आप कंसिडर करो, यहाँ पे आप अपना कंपास रखो, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वहां से अगर आप टेंजेंट मार देते हो तो वो पॉइंट ए डैश पे मिलता है, या पॉइंट ए डैश से अगर आपने यहाँ तक कनेक्ट किया तो अपने आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा. अभी ये जो पूरा सीनेरियो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना भी है. सबसे पहले देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? और यहाँ से ये जो भी जाएगा इधर, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये होगा मेरा आई. सिमिलरली यहाँ से ये रे तो आगे जा चुके हैं, तो अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया तो ये बन जाएगा मेरा आर, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा आर, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी होगा दैट विल बी माई आर ओनली. तो मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यूज है, चलो दोनों लिख देते हैं, एक आर हो गया, ये मेरा दूसरा आर हो गया, ओके. अभी थोड़ा कनेक्ट करते, ये तो डायग्राम एक्सप्लेन किया मैंने, अभी थोड़ा कनेक्ट करते कि ये है क्या चीज, अच्छे से देखो आराम से आपको समझने वाला है. हाइजन ने क्या बोला था, कोई भी जब भी वेव फ्रंट होता है ना, तो वेव फ्रंट के ऊपर अगर आप सारे पार्टिकल्स कंसिडर करते हो तो दोज पार्टिकल्स विल एक्ट एज ए वेवलेट, और वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एनर्जी एमिट करेंगे. और अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो आपने स्फेरिकल के केस में क्या देखा था, अगर वो एक टेंजेंट कंसिडर करते हो तो वो आपको और एक वेव फ्रंट देगा, है कि नहीं? प्लेन वेव फ्रंट में क्या देखा था, जस्ट पहले देखा था ऐसा एक वेव फ्रंट था, और अगर ए बी ये आपका एक वेव फ्रंट है उसके ऊपर अगर आपने डॉट्स कंसिडर किए तो यहां से भी लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, तो आपको स्फेयर्स मिल रहे थे. तो वो टेंजेंट अगर आपने कनेक्ट किया तो A1 B1 A2 B2 आपको मिला था, और फॉरवर्ड डायरेक्शन आप ले रहे थे. यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो ए बी है ना, इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है दे विल एक्ट एज अ वेवलेट, और ये जो वेवलेट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एनर्जी एमिट करने वाला है. तो पॉइंट ए पे जो भी होगा दैट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ अ लाइट, और यहाँ से लाइट एमिट होगी आपकी ये पॉसिबल डायरेक्शन में. इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पॉइंट्स. तो जब तक डी से लेके पी तक डिस्टेंस कवर होता है, तो यहाँ पे गिरने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, पॉइंट बी से ए तक गिरने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये चीज होती रहेगी. और अभी हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एज शोन इन फिगर लेट ए बी रिप्रेजेंट प्लेन वेव फ्रंट, सो ऑन मिरर M1 M2 इट इंसिडेंट एट एंगल आई.
So 1, 2, 3 represent incident rays which are perpendicular to AB. So 1, 2, 3 incident rays which are perpendicular to AB. तो AB हम लोग क्या consider कर रहे हैं, एक wave front consider कर रहे हैं. अगर यहाँ पे 90 degree angle लेंगे या फिर ऐसा specific case में consider करेंगे तो आगे के derivations लिखने में आसानी होगी. तो यहाँ पे देखो ना angle क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 degree का angle आपका बनेगा. Point number 2, according to Huygens principle, every point on AB, तो AB के ऊपर का हर एक point act as a secondary source of a light. So ये secondary wavelet है. This secondary wavelet B पे जब भी पहुंचते, देखो ना ये सेकेंडरी वेवलेट, ये पॉइंट B पे है, तो यहाँ से भी तो ये एनर्जी एमिट करेंगे. तो जब ये एनर्जी एमिट करेंगे तो B से लेके A डैश तक का आपको एक डिस्टेंस मिलेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो C इंटू T से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो सेकेंडरी वेवलेट एट B स्ट्राइक M1 M2 एट A डैश. सो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगा वो A डैश को स्ट्राइक करेगा. सो बी ए डैश इज रिप्रेजेंटेड बाई सी टी. तो बी ए डैश ये जो डिस्टेंस है वो आपने सी इंटू टी से रिप्रेजेंट किया है. Secondary wavelet from A, which is having the same distance D, CT, in time interval T. तो अगर point A को अगर आप center मानते हो, point A को अगर आप center मानते हो, and CT, इतना अगर आपने distance लिया, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक का distance CT है, लेकिन point A से भी C into T, इतना अगर आपने distance लिया, और यहाँ से एक ऐसा, एक circle जैसा structure draw करने की कोशिश की, so that आपको एक point मिलेगा, वहाँ से आप tangent draw कर सकते हो, जो A dash पे मिलेगा. Anyways, यही तो हमें करना है. सो ए एज अ सेंटर, सी टी एज अ रेडियस, आर्क एट बी डैश ड्रॉ करो, सो दैट ए बी डैश इक्वल टू सी टी. तो ए बी डैश आपको किसके बराबर मिला, ए बी डैश आपको सी टी के बराबर मिला. ए डैश क्या है, टेंजेंट टू द प्लेन ए डैश बी डैश. सो यहां से बी डैश से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको ए डैश बी डैश मिलेगा, और ये ए डैश बी डैश क्या है, ये जो वेव फ्रंट है ए बी उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट. एनीवेज, सो ए डैश के यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, सो प्लेन ए डैश बी डैश आपको मिलेगा, विच इज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. तो पहले स्ट्राइक के बाद अगर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जाने देते हो आप, उसके बाद आपको जो भी मिलेगा वो ए डैश बी डैश मिलेगा. सो 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज विच आर परपेंडिकुलर टू, देखो, सो 1, 2, 3 रिफ्लेक्टेड रेज विच आर परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश. तो ये ए डैश बी डैश है, उसको वो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश. सो जैसे आपका बी से ए डैश तक का टाइम पॉइंट मिला था, वैसे ही डी से आपका पी और पी से डी डैश तक का पॉइंट मिल रहा है. मतलब बी से ए डैश तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है, जितना डिस्टेंस कवर होता है, उतना इक्विवेलेंट टाइम डी से डी डैश तक जाने के लिए लगेगा. और ये डी डैश क्या है, ये रेड लाइन जो वेव फ्रंट है इसके ऊपर का एक पॉइंट है, ये वाला. एनीवेज, सो अभी हमें क्या कंसिडर करना है, एंगल्स कंसिडर करना है. सो एंगल बी ए ए डैश इक्वल टू आई. तो बी ए ए डैश देखो किधर है, बी ए ए डैश आई. सो बी ए डैश ए आर, ठीक है? तो ये हमारे पास बन गए. सो देखो यहाँ पे बी ए ए डैश आई, बी डैश ए डैश ए इक्वल टू आर, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश ए इक्वल टू आर. सॉरी, ये बी नहीं था, ये बी डैश था, बी डैश ए डैश ए इक्वल टू आर. तो ये बन गया मेरे पास दो पॉइंट. सो इन ट्रायंगल ए ए डैश बी, ट्रायंगल ए ए डैश बी देखो किधर है, ए ए डैश बी, और उसके बाद ए ए डैश बी डैश, ये दो ट्रायंगल लेने हैं. और ए डैश तो कॉमन है, हमें क्या करना है, आई और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, सो दैट हम लोग इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सेम है ऐसा प्रूव कर सकते हैं. सो एनीवेज, सो एंगल बी ए डैश इक्वल टू आई, एंगल बी डैश ए डैश ए इक्वल टू आर, ट्रायंगल ए ए डैश बी एंड ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश, ए डैश कॉमन है, सो बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू सी टी. देखो बी ए डैश किधर है आपका, सो बी ए डैश ए बी डैश ये डिस्टेंस सी टी इतना इक्वल कवर कर रहा है. सो एंगल बी एंड एंगल बी डैश हैज टू बी 90 डिग्री. तो अगर ये 90 है तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा दैट हैज टू बी 90 डिग्री. एनीवेज, तो ये 90 डिग्री बन गया आपका. सो आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जो दो ट्रायंगल्स के बारे में बात किए. सो एंगल बी ए ए डैश इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ए. सो एंगल बी ए ए डैश, सो बी ए ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए, तो ये आपके पास सेम है. सो इससे हम लोग बोल सकते हैं एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू सेम है, और आई और आर अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया. सो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, सो इट रिप्रेजेंट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो देखो मतलब जो पहले केस में रे ऑप्टिक्स में आप जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट वेव फ्रंट देखा, ये एक वेव फ्रंट देखा, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट जाएंगे वो ये पॉइंट तक पहुंचेंगे, उतने ही टाइम ड्यूरेशन में पॉइंट ए से यहाँ तक का आपने आर्क ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, है कि नहीं? और यहाँ से ये जो रेज जा रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे. हमें प्रूव क्या करना था, आई और आर सेम है,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइंग द सेम प्लेन. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी ऑफ अ लाइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, 2 मार्क 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको ये प्रॉपरली समझना चाहिए. इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दिया गया, क्योंकि जब तक ये दिमाग में फिक्स नहीं होता ना, तब तक कॉम्पिटेटिव फिजिक्स अच्छे से नहीं समझता. और वहां पे मैं आपको इतना सब नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज वहां पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, IR के रिलेटेड जितने भी वैल्यूज है उसके ऊपर काम करना होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है कि नहीं. तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझा है.